हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। जो आजकल बहुत लोग कंफ्यूज है कि फ्रेंडशिप क्या है, रिलेशनशिप क्या है, सिचुएशनशिप क्या है, तो ये इंटरेस्टिंग है। सिचुएशनशिप क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और आज की जो जनरेशन है वो क्यों उसके तरफ जाना चाहती है, सिचुएशन की तरफ, वो भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो ये वीडियो मिस मत करना, पूरे एंड तक इस वीडियो को देखना। सो यस लक्ष्मी, अगेन हाय राहुल। यस। सो आजकल बहुत लोग ऐसे हैं कि रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और सिचुएशनशिप एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो सिचुएशनशिप के बारे में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो क्या है एग्जैक्टली सिचुएशनशिप, और क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? पहली बात तो ये है कि मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुई थी जब मैंने पहली बार सिचुएशनशिप के बारे में सुना था। एंड इट वाज रियली फनी कि रिलेशनशिप नहीं, लोग अभी सिचुएशनशिप में आना पसंद करते हैं। अब ये सिचुएशनशिप है क्या? सिचुएशनशिप मतलब दो इंसान करीब तो आएंगे, साथ में आएंगे, आप एज ए पार्टनर, एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रहेंगे, बट देर इज नो कमिटमेंट, देर इज नो क्लैरिटी। कोई क्लैरिटी नहीं रहेगा, कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा, दैट इज सिचुएशनशिप। सो हम जैसे रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं कि रिलेशनशिप है क्या, कि दो इंसान साथ में आते हैं, प्यार होता है, दोस्ती होता है, एंड एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, एंड स्लोली जेंटली उनका प्यार स्ट्रोंग बनता है, एंड वो धीरे धीरे मतलब मैरिज की तरफ जाता है। हमको उतना ही पता था, ठीक है, बट करेक्ट। हम ये सिचुएशनशिप ऐसा है कि लोगों को सब चाहिए, मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, वो साथ चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो पैम्पर चाहिए, कनेक्शन चाहिए, लव चाहिए, बट कमिटमेंट नहीं दे सकते, कमिटमेंट नहीं है। दैट इज सिचुएशनशिप, जहां पे ना क्लैरिटी है ना कमिटमेंट है। अब ये क्यों शुरू हुआ? मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक, मैं वही शेयर करूंगी आप लोगों से जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। अभी सिचुएशनशिप क्यों शुरू हुआ? अभी का जो यंग जनरेशन है वो लोग इतना प्यार, रिलेशनशिप, ट्रू लव को लेके सीरियस बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको लगता है कि सिचुएशनशिप ही अच्छा है, बिकॉज नहीं पता आगे जाके क्या है, एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर विथ कमिटमेंट। ना वो दे सकते हो, ना ही उनको वो कमिटमेंट चाहिए। तो अगर आप लाइक माइंडेड पीपल हो, अगर दो इंसान करीब आता है, दोनों ही क्लियर है कि हम दोनों को ही कमिटमेंट नहीं चाहिए, बट हम साथ में रहना चाहते हैं और हम टाइम इंजॉय करना चाहते हैं, तो दैट इज फाइन, मुझे लगता है वो ठीक है, जब आप दोनों का सेम मेंटेलिटी हो, दोनों को ही कमिटमेंट नहीं चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशनशिप के चक्कर में कुछ लोग ना बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे, क्योंकि दो इंसान में कोई ऐसा एक होता है जो थोड़ा यू नो सॉफ्ट हार्टेड होता है, थोड़ा लॉयल होता करेक्ट। है, ऑनेस्ट होता है, और इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है। अब उसके लिए मुश्किल ये इसलिए होता है कि जब वो किसी इंसान के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है या करती है, तो स्लोली स्लोली वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, वो अटैचमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है नेचुरली, एंड उनके लिए मुश्किल होता है उस इंसान से दूर जाना। अब जो दूसरा पर्सन है वो, उसको सिचुएशनशिप ही चाहिए था, वो पहले से ही यस। मतलब क्लियर था कि कमिटमेंट नहीं देना। अब जब उसको लगता है मुझे अब इस चीज में नहीं रहना है और वो मूव ऑन करने की कोशिश करता है, वो जो सेकेंड पर्सन है, जो इमोशनल बंदा या बंदी है, उनको तकलीफ होता है, तो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, एंड इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। ऐसे बहुत केस आए हैं कि उनको वो बिट्रेयल वाला फीलिंग हुआ एंड वो डिप्रेशन में चले गए। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते वो एक सुसाइडल थॉट में भी क्रिएट होता है, क्योंकि हम ना ये सारी चीजें शेयर नहीं करते। आजकल के बच्चे वो शेयर नहीं करते, चाहे वो इमोशनली कितना भी लो फील करे, वो एक बंद मतलब अपना डोर बंद करके रूम में अकेले रोते हैं, वो चीज हैंडल करते, या कुछ ना कुछ एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत एक्शन, नेगेटिव एक्शन लेना शुरू करते, बट दे डोंट शेयर दोज प्रॉब्लम विथ एनीबडी, और ना ही किसी से हेल्प पूछते हैं। स्लोली स्लोली वही डिप्रेशन, वही लो फीलिंग उनका सुसाइडल थॉट में ट्रांसफर होता है। कन्वर्ट होता तो है। ये चीज समझने वाली बात है,
जो जितने भी लोग ऐसा उनको लगता है कि सिचुएशनशिप सही है, हमें कमिटमेंट नहीं देना है और चाहिए भी नहीं, प्लीज मेक श्योर कि आप जिसके साथ भी सिचुएशनशिप में आ रहे हो वो इंसान भी आपकी तरह है कि नहीं। अगर वो इंसान थोड़ा भी इमोशनल है, सेंसिटिव है, प्लीज आप उस चीज से दूर रहो। मैं यही बोलूंगी कि इफ यू आर नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप, डोंट गो इन टू रिलेशनशिप, चाहे वो सिचुएशनशिप हो या कुछ भी हो, उसमें जाना ही नहीं है। हाँ, अगेन मैं करेक्ट, इतना ही बोलूंगी, लाइक माइंडेड पीपल है तो ठीक है, आप दोनों ही क्लियर हो, ठीक है। फिर यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशन की वजह से किसी और को हर्ट हो, किसी की लाइफ खराब हो, टाइम खराब हो, दैट्स नॉट राइट। करेक्ट। सो ये हुआ कैसे? अब अगर इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कैसे आया, तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो किसी का दोस्त है, किसी का फ्रेंड है, किसी के फैमिली मेंबर है, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, एंड दे आर स्ट्रगलिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट रेडी टू कमिट, नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर, एंड उसके कारण क्या करना है? तो सिचुएशनशिप, सिचुएशनशिप तो फिर क्या है? सिचुएशन मान लो कि कहीं पार्टी में है और यू फील कि नहीं, हम अभी सेक्सुअल इंटीमेसी करेंगे, दे डू दैट एंड फिनिश, देर इज नो कमिटमेंट उसके बाद और उसके पहले, देर इज नो कमिटमेंट। सो जस्ट प्लेजर इज नॉट इनफ, वो प्लेजर वो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हो, बट फॉर लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज कुछ दिनों के बाद आपको अकेला महसूस होना लगेगा, कुछ दिनों के बाद आप एडिक्शन एडिक्शन की तरफ हो जाओगे, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो ड्रिंक हो। तो मुझे लगता है कि सिचुएशनशिप अगर आप करना भी चाहते हो, बहुत सारे लोगों ने ये भी किया है कि सिचुएशनशिप कैसे मैनिफेस्ट करना है, सो आई वुड सजेस्ट डू नॉट मैनिफेस्ट सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप का वर्ड ही देखो कि जैसे भी सिचुएशन आएगा उसके बाद आपका सिप चालू होगा, जैसे भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आएगा उसके बाद आपका सिप चालू होगा, तो डू नॉट मेक कॉम्प्लिकेट सिचुएशनशिप। इट्स लाइक जैसी सिचुएशन आया उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेते रहते हो, सो दैट्स सिचुएशनशिप। सो आई होप कि इस सिचुएशनशिप के ऊपर डिस्कस करने के बाद आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा, और एंड एक और चीज यस मैंने नोटिस किया इस सिचुएशनशिप के ऊपर, मैंने ये देखा कि आजकल का जो जनरेशन इतना आगे बढ़ रहा है, इतना फास्ट है, मतलब मुझे, मैंने ऐसे भी चीजें देखे कि स्कूल के बच्चे भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं एंड दे आर करेक्ट। इनटू इन सिचुएशनशिप एंड उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जो 80s के 90s के बच्चे हैं, जो 80s 90s के, वो लोग ऐसे नहीं थे, वो लोग सिचुएशन, उनको सिचुएशनशिप के बारे में नहीं पता था। या तो फिर रिलेशनशिप में हम है या तो नहीं है, नहीं यहाँ पे और कोई ऑप्शन है नहीं, या तो है रिलेशनशिप या तो नहीं है। बट अभी रिलेशनशिप अगर नहीं है तो सिचुएशनशिप है, सिचुएशनशिप यस नहीं है तो फ्रेंडशिप विद बेनिफिट, आई डोंट नो, मतलब ये सारे चीजें आ गई है। अब 90s और 80s के बच्चे भी सिचुएशनशिप में आने लगे हैं, बिकॉज जो चीज मैंने देखा है उनके पास ट्रॉमा के वजह से, उनके पास्ट करेक्ट, एक्सपीरियंस की वजह से, यस लोग पास से बाहर ही नहीं आ पाते। मैं सबको यही बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप पास्ट ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था आपका, इतना हॉरिबल था कि आप आज कमिट नहीं कर पाते हो, यू आर स्केयर्ड। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आई एम स्केयर्ड ऑफ रिलेशनशिप, आई एम स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, मुझे डर लगता है, क्योंकि वो इतना डरे हुए हैं उनके पास्ट ट्रॉमा की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। तो पहले तो आप, बिफोर यू गो इनटू रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप, अपने पास्ट ट्रॉमा में काम करो, पास्ट एक्सपीरियंस करेक्ट, जो भी है उससे बाहर आओ, ठीक है। जैसे कि अगर एक्सीडेंट होता है, आपने किसी एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस किया, दैट डजंट मीन कि आप फिर से गाड़ी में नहीं बैठोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर रिलेशनशिप में कुछ अगर होता है, प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब थोड़ी होता है कि आप फिर से रिलेशनशिप में नहीं आओगे। तो इट्स अ पैटर्न, इट्स अ ट्रॉमा, आपको पहले ट्रॉमा से बाहर आना है, अपने आप पे काम करना है, उसके बाद जब आपको लगता है कि यू नाउ यू आर रेडी फॉर रिलेशनशिप, देन कम इन टू रिलेशनशिप। बट मुझे रिलेशनशिप जैसा सारे बेनिफिट चाहिए जो रिलेशनशिप में होता है, बट मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, दैट्स रॉन्ग, मुझे लगता है वो सही नहीं है, दैट्स नॉट अ राइट ऑप्शन। आप खुद के लिए भी गलत ऑप्शन चूज करते हो, सामने वाले के लिए भी गलत ऑप्शन चूज करते हो, डेफिनेटली इट कैन लीड टू एंग्जाइटी और कुछ भी, एक रिलेशनशिप को यस डैमेज कर सकता है,
इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, वो सब सारी चीजें हो सकता है और होता भी है, सबको पता है ये सब चीजें होता है। तो थोड़ा सोच समझ के बी वेरी केयरफुल अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो। यस, आई एम श्योर दैट ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर और भी वीडियो बनाएंगे, बट इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिला होगा। इफ यू फील दिस इज अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, प्लीज लेट अस नो कि ये आपको कैसे वीडियो लगा। एंड यस यस एक और चीज, क्योंकि हम इस टॉपिक में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आस्क क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछो ताकि हम उसका जवाब लेके एक और वीडियो बना सके। क्योंकि मुझे जानना है कि यस लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे लिए भी ये टॉपिक बहुत नया है, तो मुझे जानना है कि आपका फीडबैक, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्वेश्चन है, प्लीज डू लेट अस नो ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सके। यस श्योर, आई एम श्योर पीपल विल आस्क लॉट मेनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक एंड विल मेक अनदर पावरफुल वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड विल मेक अनदर पावरफुल वीडियो एंड विल मीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू राम। थैंक यू।